दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी नया प्रयोग कर रही है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी गायों को तैयार किए जाने का काम शुरू है जिसके माध्यम से 20 से 25 लीटर दूध हासिल होगा। पहली पहल इस प्रयोग को यूनिवर्सिटी के खुद के एनिमल सेंटर में किया जा रहा है जिसे बाद में किसानों तक पहुँचाया जाने वाला है। क्या है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और कैसे ये पशुपालक किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देसी गायों से दूध का कम उत्पादन किसानों के लिए खर्च अधिक मुनाफा कम ही साबित होता है। दूध का उत्पादन बढ़ाकर कैसे किसानों को आर्थिक रूप से प्रगत किया जाए, इसे लेकर शुरू प्रयासों के बीच नागपुर स्थित महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी ने एक नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिसका मकसद किसानों की दूध से होने वाली आय को बढ़ाना है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम के तहत मापसू में तैयार की गई IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब के माध्यम से ऐसी गायों को तैयार किया जा रहा है जिनके दूध देने की औसत क्षमता 20 से 50 लीटर होगी। कैसे, आइए जानें। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास कोई अच्छे नस्ल की गिर गाय है, सहीवाल गाय है या अपने लोकल जो ब्रीड्स है, गौलो अच्छे दूध ज़्यादा दूध देने वाली गौलो है या कुछ ऐसी गाय है, कांकरेज है, उससे हम एम्ब्रियो निकालते हैं और वो एम्ब्रियो को हम अच्छे बूल का सीमेन जिसकी माँ का एवरेज भी, दूध का एवरेज भी 10, 12, 15 लीटर है, ये दोनों को हम फर्टिलाइज करते हैं इन लेबोरेटरी और वो फर्टिलाइज अंडा जिसको हम बोलेंगे एग, उसको लेके हम डालते हैं कोई भी एक रेसिपिएंट फीमेल में जो उसका पालन पोषण करेगी। उसका फर्टिलाइजेशन पे या किस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम उसको रेसिपिएंट करके पालन पोषण करेगी और उसका जो बछड़ा होगा वो कम से कम माँ का एवरेज और फीमेल का जो हमने सीमेन यूज़ किया है उसका एवरेज का दूध अगर वो फीमेल हुई तो देगा, इसकी गारंटी है। हम अभी आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ सब फार्मर्स को, नागपुर के आजू बाजू जो भी रहते हैं जिनके पास अच्छी नस्ल की गाय है, वो कृपया हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी जो हमारे हनुमान मंदिर के सामने हमारे फार्म पे हमने इस्टेब्लिश किया है, वहाँ आए, वहाँ के साइंटिस्टों से बात करें। अगर आपको कोई एम्ब्रियो चाहिए तो डेफिनेटली आपके दरवाजे पे आके वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आपकी गाय यहाँ पे ला सकते हैं, जाके हम यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद में जो भी बछड़ा होगा उसका दूध जो आज की देने गाय देने वाली है उससे दक्की ज़्यादा होगा, इसकी मैं आपको खातरी देता हूँ। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए और इसका फायदा विदर्भ जैसे प्रदेश के किसानों तक सीधे पहुँचे, इसे लेकर मापसू लगातार प्रयास कर रहा है, पर मौजूदा IVF तकनीक अधिक फायदेमंद साबित होगी ऐसा विश्वास मापसू के रिसर्चर्स को है। IVF लैब में भ्रूण तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में अच्छे नस्ल के बैल के शुक्राणु का अच्छी नस्ल की गाय के स्त्री बीज का मिलान किया जाता है। इस मिलन के बाद तैयार हुए एम्ब्रियो यानी भ्रूण को साधारण देसी गाय के गर्भ में छोड़ दिया जाता है। इस सामान्य गाय से पैदा होने वाले बछड़े के दूध देने की क्षमता 20 से 25 लीटर की हो जाती है। साथ ही इस प्रक्रिया से गाय के गाभारू होने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। हमारे प्रयोग इसमें है ही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा टारगेट है कि ये हमारा काम यहाँ का लैब का काम होने के बाद हम लोग ये निश्चित ही शेतकरी के फार्मर्स दौर पर भी ये काम करने वाले हैं। और वैसे एक हमारे शेतकरी है अपने सुधीर जी दिवे, उनके फॉर्म पे ऑलरेडी ये काम चालू हो चुका है और उनके पास फॉर्म पे 17-18 बच्चे तैयार हो चुके हैं जो हमने जेके ट्रस्ट के सहयोग से किया है। अभी हम लोग खुद ही ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं और खुद ही एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हमारे कॉलेज के प्रकल्प जो है पशु प्रकल्प पे और दिवे साहब के जो प्रकल्प पशु प्रकल्प है, जैसे ये दोनों प्रकल्प पे हम साथ साथ काम करेंगे और साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अपना स्टेट गवर्नमेंट की जो फार्म है जैसे उनका वर्षा और पोहरा में एक फार्म है जहाँ देसी नस्ल है साहिवाल और गौड़ो, तो इसमें भी हम नेक्स्ट मंथ से इसमें भी ये काम शुरू करेंगे ताकि ये सब किसानों तक पहुँचे। लैब में तैयार भ्रूण के सहारे गाय के दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का प्रयोग मापसू के पशु केंद्र की कई गायों के साथ कई पशुपालक किसानों के यहाँ भी किया गया है। मापसू का दावा है कि अगर इस तकनीक को किसान अपनाएं और सरकार का इसमें साथ मिल जाए
तो आने वाले कुछ वर्षों में दूध के उत्पादन को लेकर एक नई क्रांति हो सकती है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि गाय की एक ऐसी नस्ल ही विकसित हो जाएगी जो सिर्फ मुनाफा देगी।